त्रिमूर्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ उपस्थित है इस तरफ अदिति सिंह, इस तरफ उपस्थित हैं शारदा जायसवाल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सभा से क्या कुछ निकल कर आया, आखिर मुख्यमंत्री की सभा में क्या कुछ ऐसा निकल कर आया जिस सुनने के बाद में महाराष्ट्र की जनता ये चर्चा का विषय बना रही है कि आखिर हिंदुत्व की बात निकल कर आई या उस पर सिर्फ चर्चा ही हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व वाकई में हमने उसे उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा और उसको बढ़ावा देने में हमने काम किया है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए हिंदुत्व की बात कही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर करारा निशाना साधा। इस पूरे त्रिमूर्ति के कार्यक्रम में समझिए कहां कहां पर निशाना साधा और कहां कहां पर हिंदुत्व की रक्षा वाली बात कही। इस पूरी सभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने असली और नकली हिंदुत्ववादी को लेकर जिस तरीके से लगातार शिवसेना पर सवाल उठ रहे थे, इस बात को लेकर उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब दिया। जवाब देते हुए उन्होंने बाबरी विध्वंस का भी जिक्र किया। बाबरी विध्वंस का जिक्र करने के दौरान उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे को जिन्होंने गिराया था वो कोई और नहीं बल्कि शिवसैनिक ही थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मराठी बोल और समझ पा रहे थे। इसके अलावा उनका कहना था कि इस बात का जिक्र खुद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं अयोध्या दौरे का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि 2018 में वो खुद अयोध्या दौरे पर गए थे और उसके ठीक एक साल के बाद वो सीएम पद पर नियुक्त किए गए। कहीं ना कहीं ये उनके पूर्वजों का आशीर्वाद और इसके अलावा शिव सैनिकों का आशीर्वाद था जिस वजह से वो सीएम पद पर नियुक्त किए गए। इसके अलावा उन्होंने 15 जून को जो अयोध्या दौरा होने वाला है आदित्य ठाकरे का, उसको लेकर भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने राज ठाकरे को बिना नाम लिए मुन्ना भाई MBBS कहकर भी नवाज दिया। तो इस सभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्ववादी होने पर पूरी तरीके से जोर दिया। पिछले कई दिनों से वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, लाउडस्पीकर हो, हनुमान चालीसा हो, राणा दंपत्ति हो, बीजेपी द्वारा की गई आलोचनाओं की मार झेलते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज आखिरकार BKC ग्राउंड में उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडित की हत्या हुई आतंकवादियों द्वारा, उनकी सुरक्षा का क्या हुआ? क्या वहां पर भी बीजेपी हनुमान चालीसा करवाएगी? किसी को भी Z+ सुरक्षा दी जाती है, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई उसको लेकर क्या करवाएगी बीजेपी, आखिर क्या करेगी? इसके अलावा उन्होंने कहा कि ABC टीम बनाई जाती है, बीजेपी द्वारा लाउडस्पीकर के मुद्दे उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 2 साल से कोरोना काल के दौरान शिवसेना ने काम किया है, लेकिन उसे केंद्र सरकार नहीं गिनती। इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि PM मोदी राशन तो देते हैं, लेकिन जिस तरह से गैस की महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उस पर क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती? हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरह से राजनीति, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। उन्होंने इसके अलावा तंज कसते हुए कहा कि अभी केंद्र जो है वो दाऊद के पीछे पड़ी, लेकिन वही केंद्र, वही बीजेपी एक दिन दाऊद इब्राहिम को टिकट देगी और अपने नेता चुनने के लिए कहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बीजेपी अब नहीं रही, अब बीजेपी सिखाती है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करना और एक दूसरे पर तंज कसना। उन्होंने कहा हमारा हिंदुत्व, हम हिंदुत्व का पालन करते हैं, ना कि किसी को अपमान करते। आखिरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी और आज की जनसभा में उन्होंने तंज कसा और उन्होंने पूरी संबोधन में ये बात तो स्पष्ट कर दिया कि असली हिंदुत्व के मायने शिवसेना ही जानती है। उन्होंने अपने संबोधन में इसको विस्तार पूर्वक बताने और कहीं ना कहीं खुद को हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी बताने पर जोर दिया। उन्होंने अपने कामकाज पर भी अपने खुद के मियाँ मिट्ठू बोले अगर इस पर हम कहें तो भी कम नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने कामकाज को भी गिनाया, समझाया और प्रदेश की जनता के सामने बीजेपी के कामकाज को ढकोसला बताते हुए साफ तौर पे कहा कि अनाज तो दे दिया। जैसे पीछे शारदा जायसवाल ने बताया आपको कि अनाज तो दे दिया, लेकिन वो सिलेंडर कहाँ है, उसकी महंगाई कहाँ है, इस पर भी चर्चा अगर हो जाती तो अच्छा होता। तो महंगाई की मार आम जनता झेल रहा है। तो अब इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान जो चीज़ें समझ में आई वो ये था कि हिंदुत्व को बचाने और कट्टर हिंदुत्व की कोई अगर दल है तो वो शिवसेना, ऐसा इस संबोधन के दौरान नज़र आया। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने जो इस पूरे
इन पूरी बातों को समझ लिया होगा कि आखिर आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ जनता को संबोधित किया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे भाषण के बाद सरकार और इस पूरे महाराष्ट्र में सियासत कैसे गर्म होती है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।